इस वीडियो में मैं थॉर मूवी सीरीज़ का एक टाइटल लव एंड थंडर उसके ज़रिए आपको इंग्लिश सिखाऊंगा इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बान में मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा तो पहले मैं लव एंड थंडर जो टाइटल है उसको डिस्कस करूंगा उसके बाद उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और इन मुश्किल अल्फाज को इंग्लिश में इस्तेमाल करूंगा साथ में में इसकी डिस्कशन करूँगा द फर्स्ट ऑफिशियल फुल ट्रेलर फॉर थोर लव एंड थंडर प्रोवाइड्स एन इंटीमेट लुक एट द गॉड ऑफ थंडर फोर्थ सोलो एम सी यू आउटिंग सो इसमें जो है सो इफ समथिंग इज की इट इज वेरी इंपॉर्टेंट की का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट में अगर की पॉइंट हो तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ को बोलते हैं द न्यू थॉर ट्रेलर रिवील्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी जो न्यू थॉर का ट्रेलर है वो जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी को रिवील करता है यानी जाहिर करता है द प्लॉट जो है स्टोरी किसी भी शॉर्ट स्टोरी या समरी को प्लॉट बोलते हैं द प्लॉट ऑफ अ मूवी इज़ द मेन स्टोरी ऑफ द मूवी यानी कि प्लॉट जो है वो मूवी की मेन जो है स्टोरी है इस तरह से एवरी मूवी टीवी शो और बुक हैज़ अ प्लॉट यानी कि कोई भी किताब हो कोई भी टीवी शो या मूवी उसका एक प्लॉट होता है इस तरह से दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैपन इन द स्टोरी प्लॉट से मुराद ये है कि वो इवेंट या सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो कि एक स्टोरी में होते हैं हॉ एवर द वर्ल्ड प्लॉट कैन आल्सो बी यूज एज अ वर्ब और प्लॉट को हम वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इन दिस केस इट मीन्स टू मेक अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग अट टू हट समन जब प्लॉट को हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं या प्लान बना रहे हैं जिसमें हम किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं चेक आउट दिस एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल एक आपके साथ मैंने प्लॉट की डिस्कस की है एंड वट डू आई फाइंड बट द नाइन रेलम्स कंप्लीटली इन केस ये बंदा इसके साथ डिस्कशन कर रहा है एनिमीज ऑफ एस गर्ड असेंबलिंग प्लॉटिंग आवर डिमाइज आल वाइल यू ऑर्डिंग द प्रोटेक्ट ऑफ दोज नाइन रेलम्स आर सिटिंग हेयर इन यू आर बाथरूम ईटिंग ग्रैप्स तो इस एग्जांपल में ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इसमें वो कह रहा है कि जो है प्लॉट कर रहे हैं सीक्रेट प्लान बना रहे हैं दिस इज़ द फोर्थ थॉर सोलो मूवी आर आउटिंग आउटिंग यहाँ पे जो है आउटिंग से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ को पब्लिश करना आउट करना उस से आउटिंग कहते हैं यान पब्लिश कहते हैं आउटिंग हेयर मीन्स रिलीज यानी कि कोई रिलीज़ से मुराद कि मूवी को जो है वो लोगों के दरमियान ले कर आना या उसको रिलीज़ करना एन अदर पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड टू आउट एज अ वर्ब वर्ब के तौर पर इसका और मतलब ये है कि इवन दो दे वांटेड टू कीप दिस इंफॉर्मेशन प्राइवेट हेयर एन एग्जांपल फ्रॉम फ्रेंड्स यानी कि वो इस इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहते हैं फ्रेंड्स एक टीवी सीरीज़ है उससे मैंने एग्जांपल कोट किया है आल राइट आई विल गिव यू दिस मिसटर पीनट इज़ अ बेटर ड्रेसर आई मीन ही हैज़ कॉट द मुनकल हीज़ कॉट द टॉप हैट डेड यू नो ही इज गाई क्या तुम जानते हो कि वो गे है आई जस्ट वान क्लैरिफाई दिस आर यू आउटिंग मिसटर पीनट आर यू आउटिंग मिसटर पीनट कि क्या आप मिस्टर पीनट के बारे में चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं so next you have featuring a returning natalie portman as jane foster a terrifying christian bale as the gore and new looks for several key characters it's clear that thor 4 will deliver impressive spectacle alongside the series signature wit. but beyond pro Providing audiences with the clearest indication yet of the film's tone, the Thor Love and Thunder trailer also revealed plenty of hitherto unknown bits that ramp up the excitement ahead of the movie's July 8 release date. Now, is title of next words I will wo discuss. Hu. So, the Thor movies are known for being fun. थौर मूवी जो है वो फ़न के तौर पर जानी जाती है अम्यूजिंग एंड क्लेवर विट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ विटी की जो नाउन फॉर्म है उसको विट बोलते हैं और विट जो है इंसान के अक्लमंद क्लेवर होने को बोलते हैं अ विटी पर्सन हैज़ अ शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर बाय यूजिंग वर्ड्स इन अ स्मार्ट एंड फनी वे एक विटी शख्स वो होता है जो कि ह्यूमर को एक फ़नी वे में प्रेजेंट करता है कैन ऑल्सो कॉल समथिंग विटी लाइक अ विोरी अ विटी मूवी हम किसी चीज़ को भी विटी कह सकते हैं विट्टी से मुराद विट होता है अक्ल मंदी और होशियारी को बोलते हैं एक विटी स्टोरी यानी कि एक खूबसूरत स्टोरी को भी हम विटी स्टोरी यानी काफ़ी दिलचस्प स्टोरी और मूवी को भी ये विट कह सकते हैं आई लव द फस्ट मूवी सो मच इसकी एग्ज़म्पल मैंने एक कोट किया आई वॉज जस्ट शो कैरिड अवे बाई द स्टोरी कि मुझे स्टोरी इतनी अच्छी लगी इट वॉज़ फनी इट वॉज क्लेवर इट वॉज वि फ़नी थी ये चुस्त चलाक थी और ये बहुत ही विटी अक्लमंद पर अक्लमंदी वाली स्टोरी थी लेट्स फेस्ट इट दिस इज़ नॉट द वर्स्ट थिंग यू हैव कॉट मी डूइंग लेट्स फेस इट इसका सामना करते हैं दिस इज़ नॉट द वर्स्ट थिंग ये कोई बुरी चीज़ नहीं है यू हैव कॉट मी डोइंग तुमने मुझे इसको करते हुए देखा है सीन्स द थॉर मूवीज़ आर नाउन फॉर बीन विटी क्योंकि जो थॉर मूवीज़ हैं वो विट पर मुशतमिल होती हैं यानी अक्ल मंदी वाली होती हैं मजा भी होती हैं लेकिन ऐसा मज़ा होता है जो अकल को अच्छा लगता है वी कैन से द मूवीज़ है सिग्नेचर विट सिग्नेचर विट यानी कि बहुत ही अला किस्म के उसके अंदर उसके जो है फ़नी मोमेंट्स होते हैं इन अदर वर्ड्स दिस विटी करैक्ट्रिस्टिक इज़ प्रेजेंट इन ऑल थौर मूवीज और ये जो थौर मूवीज़ हैं लव और जो भी इसकी मूवीज़ हैं उसमें जो है विटी करैक्ट्रिस्टिक्स होती हैं वट डज़ दर्ड हैद्र टू मीन हैद्र टू का मतलब होता है आंटिल नाओ यहाँ पे मैंने बताया वर्ट डज़ द मी वर्ल्ड हेदर टू मीन आंटिल नाओ अब एग्जाम्पल सो द आइडिया हेयर इज दैट द ट्रेलर रिवील्ड अ लॉट ऑफ सम बट इंटरेस्टिंग पीसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस थौर मूवी का ट्रेलर है उस ट्रेलर है उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिवील किया है द वर्ल्ड हिदर टू इज़ अ फॉर्मल वर्ल्ड दैट एक्सप्रेस इज़ द आइडिया ऑफ अंटिल नाउ हिदर टू का मतलब है कि अब तक जो है मूवीज़ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को रिवील किया है इन हर न्यू बायोग्राफी द एक्टर रिवील सम फैक्ट्स अबाउट हर लाइफ दैट है नाउ। अब इसमें आंटिल नाउ का इस्तेमाल किया है नेक्स्ट सेंटेंस में इन हर न्यू बायोग्राफी द एक्टर रिवील सम हिदर टू अन फैक्ट्स अबाउट हर लाइफ दोनों का मतलब सेम है अन अन टिल नाओ और हिट द टू दोनों का मतलब सेम है इफ सम इज अनना नाउन नाट मैनी पीपल नो अबाउट इट जब कोई चीज़ अननाउन होती है तो काफ़ी लोग उसके बारे में इलाम नहीं रखते साकार लिव्स ऑन द एज ऑफ द नाउन एंड अननाउन इसमें नाउन और अननाउन दोनों का मतलब नाउन जानने वाला अन नाउन ना जानने वाला इट इज़ द कुलेक्शन पॉइंट फॉर आल लॉस्ड एंड अनल्ड थिंग्स finally a tidbit is a small but important piece of information about something tidbit se murad hai ke bahut important information ho kisi cheez ke bare mein हर example, एग्जाम्पल हर पास्ट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज बीन शराउडेड इन मिस्ट्री उसका जो माजी था वो हमेशा एक मिस्ट्री में लिपटा हुआ था एंड यू नो वी कंटिन्यू टू ओपन अप द स्टोरी और आप जानते हो कि हमने इस स्टोरी को ओपन अप करने के लिए कैरी ऑन किया या कंटिन्यू किया गिव लिटल काइंड ऑफ बिट्स एंड थ्रो द बोन आउट वंस इन अ वाइल्ड हमने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गिव लिट यानी कि शेयर किया और फिर जो होल स्टोरी थी वो हमारे सामने आ गई सो so, आज की वीडियो का यहाँ पे इख्ताम होता है इसमें मैंने आपके साथ वोबलरी के वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनको एग्जांपल उनकी एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं आपके साथ उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप मूवी सीरीज़ के ज़रिए टी वी शोज़ के ज़रिए या किसी भी पॉडकास्ट के ज़रिए यहाँ से इंग्लिश सीखें आपका फ़ायदा हो और अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों का फ़ायदा होगा इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी को बेहतर करूँ और इस पर और ज़्यादा काम करूँ शुक्रिया